शाहिद कपूर और सैफ अली खान पहुंचे एक इवेंट पर। इस इवेंट पर दोनों की मुलाकात होने के पूरे आसार थे, लेकिन क्या ये मच एंटिसिपेटेड मुलाकात हुई? वेल, ये सवाल हम आपको आज की टॉप स्टोरी में डिटेल में देने जा रहे हैं। कल शाम 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई थी। यहाँ सैफ अली खान इस पूरे शो को होस्ट कर रहे थे और शाहिद कपूर यहाँ एक स्पेशल परफॉर्मेंस देने वाले थे। ऐसे में होस्ट और परफॉर्मर की मुलाकात होना तो तय था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जी हाँ, सैफ अली खान के शाहिद कपूर को स्टेज पर बुलाने के बावजूद शाहिद कपूर यहाँ नहीं पहुँचे। जी हाँ, इस ओपनिंग सेरेमनी के एंड में सैफ अली खान होस्ट होने के नाते इस इवेंट के सारे परफॉर्मर्स का शुक्रिया अदा कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने हर एक परफॉर्मर का नाम लेकर स्टेज पर बुलाया, जिसे सुनकर ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर, अनुष्का शर्मा और प्रीतम स्टेज पर आए, लेकिन शाहिद कपूर यहाँ नहीं पहुँचे। वेल, बिल्कुल सही सुना आपने। सैफ के बुलाने के बावजूद शाहिद कपूर स्टेज पर नहीं पहुंचे, जिसे देखकर इस इवेंट पर मौजूद हर कोई सरप्राइज रह गया। सैफ और शाहिद कपूर प्रोफेशनल एक्टर्स हैं। ऐसे में किसी ने सोचा नहीं होगा कि इनके बीच की कोई प्रॉब्लम किसी पब्लिक इवेंट पर दिखेगी। वेल, शाहिद कपूर और करीना कपूर कहते आए हैं कि ये दोनों स्टार्स अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और वो पिछली बातें भी भूल चुके हैं। ऐसे में सैफ और शाहिद का इस तरह एक इवेंट पर बिहेव करना काफी सरप्राइजिंग है। वेल, चलिए, हो सकता है इस इवेंट पर कुछ और ही हुआ हो जिसकी वजह से शाहिद स्टेज पर नहीं पहुंचे। लेकिन ये बात जरूर है कि इस इंसिडेंट ने बॉलीवुड में गॉसिप मॉन्गर्स को एक नया टॉपिक जरूर दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।